प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2020। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे आर ओ ए आर ओ भी आप कहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, जो यूपीपीएससी के द्वारा इसके पद निकाले जाते हैं। अलग से भी समीक्षा अधिकारी का एक पद आया हुआ है, आपने देखा होगा कि समीक्षा अधिकारी का, विधान भवन समीक्षा अधिकारी का एक अलग से पद आया हुआ है। उसी तरह से आपके पीसीएल में भी पद आते हैं, लेकिन यहाँ आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है यूपीपीएससी द्वारा निकाले गए समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2020 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा इसके बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं हम किस किस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा एक नोटिफिकेशन कब आएगा, यानी इस पे हम चर्चा करने वाले हैं 2020 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस पे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यहाँ पे एक बेस्ट बुक और प्रैक्टिस सेट पे हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरा मुद्दा हमारा स्नातक उपाधि पे चर्चा कर, यहाँ पे क्या कहते हैं, आय वर्ग को लेकर के और शैक्षिक योग्यता को लेकर के। साथ में परीक्षा का प्रारूप क्या होता है, प्री का मेंस का, इस पे चर्चा करने वाले। यानी वीडियो थोड़ी सी लेंदी आपकी लगेगी, लेकिन हर एक बात जो आपके मन में डाउट्स हैं, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाते हुए हम इसको स्टार्ट करने चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पे 8004109989 एक करके नंबर है, जिसपे आप व्हाट्सअप करके आर ओ 2020 के बैच से जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है और आपको सारी क्लासेस यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। क्लासेस आपको रीडर के माध्यम से, साथ में आपको बोर्ड के माध्यम से, दोनों माध्यम से आपको क्लासेस दी जाएंगी, जो आपको नोट्स और मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। क्लियर? तो क्लासेस का प्रारूप क्या होगा, क्लासेस का सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में हम आपको आगे आने वाली डेट में बता देंगे। यहाँ पे अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे इसकी तैयारी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। उसके पहले इसका कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता है। कंपटीशन लेवल हाई होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो आरओ का जो ग्रेड पे लिखा गया लगभग 4800 है और एआरओ का 4200 है। तो ये ग्रेड पे के कारण यहाँ पे थोड़ी सी कंपटीशन लेवल बढ़ जाती है, और कंपटीशन लेवल बढ़ने का मतलब ही होता है माइनस मार्किंग पेपर होने के बावजूद आपकी मेरिट हाई होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखें आय वर्ग की अगर बात करें, सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जनरल कैटेगरी के जो लोग आते हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो आय वर्ग होती है 21 से 40 वर्ष होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक नॉर्म के अकॉर्डिंग ओबीसी को 3 वर्ष की और एससी एसटी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, किसमें, शैक्षिक योग्यता में। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो उम्र में 5 वर्ष, तो अगर कंपटीशन लेवल देखें तो 21 वर्ष के अभ्यर्थी से लेकर के 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी को द्वारा जो है पेपर, 25 वर्ष का अंतर हो जाता है, 21 से 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी पेपर देते हैं। स्टूडेंट की संख्या भी ज्यादा होती है और लेवल भी हाई होता है। ठीक, अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। शैक्षिक योग्यता की अगर बात कर लें तो आरओ यारो 2020 की जो शैक्षिक योग्यता है वो है स्नातक, किसी की आरओ यारो की जब आता है फॉर्म आता है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, तो आरओ के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए जो आपकी योग्यता होती है स्नातक उपाधि होती है। ठीक है, इसमें 1-2 पद आते हैं सांख्यिकी वगैरह का, जिसमें कभी कभी टाइपिंग या आपका ओ लेवल मांगा जाता है, वो सेकेंडरी मैटर, हम चर्चा करेंगे उस पर। उसके बाद एआरओ की वैकेंसी की अगर बात कर लें तो स्नातक की डिग्री होती है, साथ में ओ लेवल आपसे मांगता है, कंप्यूटर कोर्स होता है, साथ में इसमें टाइपिंग होता है 25 वर्ड पर मिनट। ठीक, ए है एआरओ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप ये बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद बेस्ट बुक और प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करें। नोटिफिकेशन 2020 की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन 2020 का उम्मीद है कि जो आपके 2020 में पद आने वाले हैं, 2020 में आपके 500 से लेकर के 590 के बीच में पद आने वाले हैं। ठीक है, लगभग 540 से 560 पद आने वाले हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है। 540 से 560 पद के बीच में आपका पद आने वाला है, 2-4 पद इधर उधर हो सकता है। ये वैकेंसी आपको जो मिलेगी, ये वैकेंसी आपको मिलने वाली है, कब मिल जाएगी, तो अक्टूबर के लास्ट वीक तक ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक में यह नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस है, 99.99% तक ये चांस है कि आपकी वैकेंसी अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। वैकेंसी आने के बाद लगभग 60 दिन का आपके पास वक्त मिलेगा आपकी पेपर की तैयारी के, जनवरी लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक,
तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं बेस्ट बुक और प्रैक्टिस सेट के, पहले बात हम कर ले थोड़ा सा सिलेबस पे एक नजर डाल लें, फिर हम लास्ट में आपको बताते हैं बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, प्रैक्टिस सेट कौन सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं लिखना होगा तो उसके लिए हम बताएंगे आपको बाद में। बात करते हैं प्री पेपर की। इसमें दो परीक्षाएं होती है, एक आपका प्री पेपर होता है और दूसरे पेपर जो होता है उसे मेंस कहते हैं। तो दो प्रकार के पेपर होते हैं। प्री पेपर में आपसे समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। समान अध्ययन का एक पेपर होता है। समान अध्ययन के पेपर के लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका नंबर 140 होता है। आप जानते हैं इन सब चीजों को, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है जिसमें समस्त चीजें पूछी जाती हैं। अभी सिलेबस का हम प्रारूप आपको सुनाएंगे बताएंगे, बट अभी यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन तो ठीक है, यहाँ पे आपके 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 घंटे की अवधि होती है। और मेंस प्री में हिंदी से भी आपके 6 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने चैप्टर से? 6 चैप्टर से, विलोम से, पर्यायवाची से, अनेक शब्दों के एक शब्द से, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से, ठीक है। उसके बाद किससे पूछा जाता है? विशेष विशेषण से पूछा जाता है। और एक और चैप्टर होता है, ठीक है, तद्भव तत्सम से। तो 6 चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 प्रश्न होते हैं, 10-10 प्रश्न होते हैं। 1 घंटे के लिए आपको वक्त मिलता है, ठीक। इन दोनों प्रश्नों को जोड़ करके, इन दोनों नंबरों को जोड़ करके आपके प्री का क्वालिफिकेशन दिया जाता है। जो लोग प्री क्वालिफाई करते हैं वो लोग मेंस की परीक्षा में एंट्री करते हैं, ठीक। जो प्री क्वालिफाई करते हैं वो लोग मेंस में एंटर करते हैं। और मेंस में जो सिलेबस आपका होता है, मेंस का सिलेबस कुछ होता है सामान्य ज्ञान, जो 120 प्रश्न होते हैं, सिलेबस एकदम सेम होता है इसी की तरह। और इसमें हाँ हम आपको बताते हैं 1/3 माइनस मार्किंग होती है, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन सही वाला गलत हो जाता है, जो कि यहाँ पे भी यही लागू है। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, 120 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे के लिए वक्त मिलते हैं। सामान्य हिंदी जिसमें आपको लिखित लिखना होता है, सारी चीजें लिखनी होती हैं, लिख करके आपको सॉल्व करना होता है, इसके लिए आपको 100 नंबर का होता है, 2 घंटे 30 मिनट को आपको अवधि दी जाती है। सामान्य हिंदी जिसमें इसी तरह का प्री के टाइप का, जैसे वही 6 चैप्टर जो प्री में आते हैं, वही 6 चैप्टर से 5-5 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का होता है। और इसके 60 क्वेश्चन 60 नंबर का होता है, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जो इसका नंबर टाइम मिलती है वो 1/2 यानी आधे घंटे की टाइम मिलती है। हिंदी निबंध की बात कर ले तो हिंदी निबंध के लिए आपको 120 नंबर का हिंदी निबंध होता है, 3 घंटे का अवधि मिलती है। टोटल अगर प्रश्नों को ऐड कर दें तो आपका टोटल नंबर हो जाता है 400। और इसी 400 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाती है। और मेरिट बना करके प्री क्योर क्वालिफिकेशन नेचर का होता है, इसी नंबर से आपकी मेरिट बनती है और इसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। ये तो थी कॉमन प्रोसेस जो आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस उसको आपको रिकॉल कराना था। अब आगे की बात हम कर लेते हैं, बेस्ट बुक कौन सी होगी और प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेस्ट बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं 1 सेकंड में। तो बेस्ट बुक की अगर हम बात कर लें, देखिए बेस्ट बुक में क्या है, आजकल अगर आप गौर किए होंगे तो किसी भी पेपर में इतिहास का सेक्शन कम हो गया है, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास के सेक्शन से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी पीछे जो एग्जाम होगा 2016 वाले में, इतिहास के प्रश्न नॉर्मल थे और बहुत कम आए थे, ठीक है, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहासों की संख्या ज्यादा थी, प्रश्नों की संख्या। तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं, तो आप में इतिहास की अगर हम बात कर लें तो इतिहास में आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप जो आपके पास पॉइंटेड वन लाइनर है, ठीक, देखिए वक्त की कमी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छी बुक बताने का बहुत तात्पर्य नहीं है, बस आपको चीजें जहां से कलेक्शन हो जाए, जहां से आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको उसके बात कर रहे हैं। तो पहले बात कर रहे हैं इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं, ठीक। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए आपके पास वन लाइनर जो है इन्हीं को ले लीजिए। अगर किसी कोचिंग का नोट मिल जाता तो और अच्छी बात है, उसे लेकर के आप रिवाइजन कर लीजिए, ठीक, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। कहा से 3 या 4 प्रश्न आते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न आएंगे नहीं। वो यहाँ पे वक्त गंवाने से अच्छा कहीं और वक्त लगाइए जहाँ पे आपको ज्यादा बेनिफिट हो, बता रहे हैं कहाँ। दूसरा है आपका जो आपके सिलेबस में दूसरी पॉइंट है, वहां लिखा 1857 की क्रांति, ठीक। 1857 यानी आधुनिक भारत के इतिहास की बात यहां से होती है। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आपको बुक लेनी है घटना चक्र की, घटना नहीं एक सेकंड सॉरी, आपको बुक लेनी है परीक्षा वाणी की, किसकी? परीक्षा वाणी की। और परीक्षा वाणी की आप अगर बुक लेते हैं तो परीक्षा वाणी की बुक का कवर कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास है। एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ
कुछ इस तरह से आपको मिलेगा आधुनिक भारत का इतिहास परीक्षा वाणी की बुक है, और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए बहुत फ्लेक्चुएट और बहुत बेहतर है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करने वाली है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर ले परीक्षा वाणी हो गई, आधुनिक भारत के इतिहास, फिर आपका जहां से प्रश्न ज्यादा आता है वो है संविधान। संविधान के लिए भी जो लोग पहले से पेपर देते आए वो आपको डीडी बसु बताएंगे, ठीक है, सुभाष कश्यप की किताब बताएंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि डीडी बसु और सुभाष कश्यप की किताब बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी किताब है, परंतु उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज पढ़ने के लिए जो नया अभ्यर्थी आता है, जो पहली बार पढ़ने जाता है, उसके लिए थोड़ा सा कठिन है, वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो उन्हें पढ़ने के लिए क्या चाहिए, संविधान के लिए भी आप किसको लीजिए, इन्हीं परीक्षा वाणी की किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ठीक है, परीक्षा वाणी की किताब मार्केट में है, आप ले सकते हैं, आपको बहुत बेहतर है। ठीक, संविधान के बाद अगर हम बात करते हैं जो आपका मेन सेक्शन आता है वो है भूगोल। प्रश्न बहुत आते हैं भूगोल जो भारत का भूगोल होता है, भारत के भूगोल से आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं, भारत के भूगोल से प्रश्न के लिए आप महेश बर्नवाल की किताब लेंगे और महेश बर्नवाल की किताब आपको बहुत लाभ मिलेगा महेश बर्नवाल की किताब से। ठीक, इन्हीं की आती है किसकी, विश्व का भूगोल। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्व के भूगोल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो विश्व के भूगोल के लिए अगर हम यहां बात करें विश्व के भूगोल की, तो विश्व के भूगोल से ऐतिहासिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि राजधानी पूछ ली जाती हैं, जैसे कि आपके कोई नए प्रेसिडेंट स्थापित होते हैं, या कहीं पर वोल्केनो इरप्शन हुआ है, या कहीं पर कोई उद्योग है, कहीं पर कोई चीजें हैं, तो उसके बारे में जो करंट का एक मुद्दा होता है उसी मुद्दे से रिलेटेड चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आपको मैं फिर कहूंगा कि आप कोशिश करिए कि करंट की चीजों को बहुत बेहतर से पढ़िए, आपकी ये चीजें ऑलरेडी तैयार रहेंगी। फिर भी अगर बुक आप लेना चाहते हैं तो जो ऑनलाइनर आप लेंगे, चाहे वो किरण की, चाहे यूनिक की, चाहे वो लूसेंट मत लीजिएगा, ठीक है, किरण या यूनिक की लीजिए, वो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी, खास करके विश्व के भूगोल के लिए। ठीक है, आपके करंट का फोकस, जो करंट का मुद्दा होता है वही आपको वहां पे पूछा जाता है। हालांकि मेंस में काम नहीं देगी, जो बुक मैं बता रहा हूँ ये मेंस के लिए आपके हित कर नहीं होगी, लेकिन पहला हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, पहले हम प्री की बाधा तो पार करें। प्री की बाधा पार करने के साथ साथ अपने एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करना होता है। जब आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो आप ब्रांड बुक पढ़ सकते हैं और आप बहुत ज्यादा प्री कम मेंस की बात जहां तक होती है, हम मेंस पढ़ेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, प्री की तैयारी हो जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन जो लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट उन्हें मेंस में कुदा देना ये भी उचित नहीं होता, इसलिए आप प्री की तैयारी करिए, मन से करिए, और कोशिश करिए कि जो चीजें आप पढ़िए उसे अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं सही बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत हितकर होने वाला, देख लीजिएगा, आपको भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। तो विश्व भूगोल के लिए आपका हो गया, संविधान हो गया, अर्थशास्त्र की बात कर लें, अर्थव्यवस्था की बात कर लें, ते आपकी सांख्यिकी आती है, या सांख्यिकी छोड़ दीजिए, जो करंट की किताबें होती हैं, जो आप करंट पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत हितकर होगा। सामान्य विज्ञान की बात कर लें, सामान्य विज्ञान से प्रश्नों का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, सामान्य विज्ञान के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट से बढ़िया कोई नहीं है सामान्य विज्ञान के मामले में। सामान्य विज्ञान आप लीजिए, मेंस तक का लूसेंट से दीजिए, लूसेंट सामान्य विज्ञान आप ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया बुक है। उसके बाद बात कर लें, इतिहास हो गया, आधुनिक भारत हो गया, संविधान हो गया, भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, और ये हो गया, और क्या है, जनसंख्या नगरीकरण। ठीक, जनसंख्या नगरीकरण के लिए आप घटना चक्र की बुक मार्केट में है, उसको ले लीजिए, और लास्ट में है पर्यावरण के लिए भी आप परीक्षा वाणी लेंगे, पर्यावरण के लिए भी आप किसकी लेंगे, परीक्षा वाणी की लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात कर ले पर्यावरण के बाद, उत्तर प्रदेश विशेष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उत्तर प्रदेश का प्रश्न, तो उत्तर प्रदेश के लिए आप किसकी लेंगे, घटना की किताब लेंगे, घटना चक्र लेंगे, घटना की किताब आती है। ठीक, एक कुछ ऐसे टॉपिक हैं, और सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट वो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटना चक्र, जो करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने पेपर को मिलाया होगा तो दो एक चैनल को छोड़कर, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, विशिष्टता का जो आपको मिलता है, विशिष्टता का ज्ञान,
वो दो एक चैनल को छोड़कर के कोई दे नहीं रहा करंट अफेयर्स में, ठीक है। करंट अफेयर्स में वो आपको बहुत सारे मुद्दे जरूर दिखा देते हैं, बहुत सारी चीजें बता देते हैं, बट काम की चीजें बहुत कम होती है, तो आपकी टाइम किल होती है। तो आप करंट अफेयर्स में श्रृंखला अच्छी देखिए। हालांकि हम डिजाइन कर रहे हैं लेकिन अभी हमारा कोई डिजाइन नहीं है, कोर्स डिजाइन हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वीकेंड और उसका, लेकिन अभी मेरा कोई कोर्स करंट अफेयर्स का डिजाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसके क्षमा चाहते हैं। काम भर की चीजें हम रोज का डेली न्यूज में बताते रहेंगे आपको कि आज के क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके पूरे सिलेबस भी, साथ में इसकी किताबें, ये मुद्दा किसका है, पूरा सिलेबस है, साथ में इसकी किताबें हैं। जीएस की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, जीएस की। जीएस में ये इतनी टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बड़े आराम से, यही टॉपिक भी है आपके कोर्स में, और ये टॉपिक अगर आप इन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं तो आप बड़े आराम से मेंस में जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा भी है और दावा भी। बात करते हैं हिंदी की, हिंदी के लिए, ठीक है। तो हिंदी के लिए सबने बहुत विख्यात किताब है, आप जानते हैं किसकी किताब है, तो आप बताइएंगे किसकी किताब है, तो आप हरदेव बाहरी की। किसकी है, हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं आप जानते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनके लिए आप किसको पढ़ेंगे, हरदेव बाहरी की किताब पढ़ेंगे। ये तो हो गई एक सिलेबस और इसके कुछ बुक। प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट देखिए दो कंपनी के बहुत बेहतर आते हैं, एक आता है आपका परीक्षा वाणी का, घटना चक्र का, माफ करिएगा, एक आता है घटना चक्र का जिसमें सारी सीरीज है, आप देखे होंगे इस तरह की एक सीरीज है ना, उसकी क्या कहते हैं घटना चक्र की अगर हम बात करें तो उसकी एक सीरीज आती है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का है तो इसकी सीरीज आती है, ठीक है। इस सीरीज में 8 खंड है, हो सकता है और कोई खंड होगा अब जुड़ गया होगा, मेरे पास तो 2016-17 की है, तो हो सकता और कोई खंड होगा उसमें जुड़ गया होगा, तो उस खंड में जुड़ते हुए उसका खंड बढ़ गए होंगे, तो टोटल 8 खंड में है और 8 खंड में हर साल के प्रश्न दिए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रिपीटेड प्रश्न नहीं आते, मैं कह रहा हूं कि रिपीटेड प्रश्न नहीं आते लेकिन रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, रिपीटेड प्रश्न नहीं आते हैं, रिलेटेड प्रश्न आते हैं, और टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए यह प्रैक्टिस पेपर आपको बहुत हितकर होने वाला है। परंतु अभी आप अपने बेस को तैयार करिए, प्रैक्टिस पेपर बाद में करिएगा। और यूथ का आता है उसमें हर साल का जो पेपर हुआ है उसी का आरओ का पेपर देते हो तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की सामान्य जानकारी, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 तारीख से आपकी इतिहास की, आधुनिक भारत की इतिहास की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, जो आपके लिए हितकर लाभदायक और आने वाले परीक्षा में आपके लिए बहुत विशेषकर लाभदायक होगी। तो कैसा है वीडियो, कैसा लगा आपको जरूर कमेंट कर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।